हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि टोपोलॉजी क्या है, और उसके बाद हमने बस टोपोलॉजी को कवर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टार टोपोलॉजी क्या है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल सर्वर। स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। अ डिवाइस नोड मस्ट हैव टू कम्युनिकेट थ्रू सेंट्रल सर्वर। इसका मतलब है कि स्टार टोपोलॉजी में आपके जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे एक सेंट्रल सर्वर से, ठीक है, उससे आपके कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्टार टोपोलॉजी में दो दो जो डिवाइसेस हैं या नोड है वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत होती है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। ये है मेरा सेंट्रल सर्वर, ठीक है, और ये है मेरे चार नोड। अब सपोज करते हैं कि नोड ए को नोड बी से या फिर नोड सी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो हम लेते हैं कि नोड ए को नोड सी से कम्युनिकेट करना है, तो वो डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। पहले इसको अपना डेटा ये सेंट्रल सर्वर को सेंड करना पड़ेगा, और ये सेंट्रल सर्वर फिर इससे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो हर एक डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए सर्वर की यहाँ पे नीड है। तो बिना सर्वर के इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं अब आगे इसका एडवांटेजेस। उससे पहले हम कुछ पॉइंट कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें लिखना भी होता है। अगर ये 10 मार्क्स के लिए आए तो सिर्फ डायग्राम से नहीं, हमें यहाँ पे तो इसका ये हमारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद अब हम कुछ इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, इफ वन डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अदर डिवाइस, इट हैज टू फर्स्ट सेंड द डेटा टू हब या स्विच, एंड देन हब एंड स्विच ट्रांसमिट दैट डेटा टू द डेजिग्नेटेड डिवाइस। इसका मतलब जो हमने सर्वर देखा था वो सर्वर हमारा हब या स्विच दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे हब या स्विच को, फिर हम दूसरे में आगे हम भेज सकते हैं। दो दो नोड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल की ज़रूरत नहीं होती। कोएक्सियल केबल या फिर RJ45 केबल से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगला पॉइंट है, स्टार टोपोलॉजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्किंग इम्प्लीमेंटेशन। नेटवर्किंग का जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टार टोपोलॉजी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अगला पॉइंट है, इच स्टेशन हैज़ इट्स ऑन डायरेक्ट केबल कनेक्शन टू स्विच। हर एक नोड का, हर एक स्टेशन का, ठीक है, हर एक कंप्यूटर का सर्वर के साथ में अपना केबल कनेक्शन होता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। फर्स्ट है, इजी टू ऐड न्यू स्टेशंस एज इच स्टेशन हैज इट्स ऑन डायरेक्ट केबल कनेक्शन टू द स्विच। If a cable is cut, it only affects the computer that was attached to it. इसने बोला कि इस नेटवर्क में नए स्टेशन को ऐड करना बहुत ईजी होता है। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं एक बार कैसे ये बोल रहा है। ये क्या है, केबल कनेक्शन इसका अपना है, इसका अपना है, सबका अपना अपना केबल कनेक्शन है। अगर मैं ये पाँच जो है, पांच के अलावा मैं अगर छठा भी लगाती हूँ तो उसका अपना होगा, तो इन पांचों पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसने बोली कि अगर इसका केबल ख़राब हो गया, सपोज कुछ प्रॉब्लम आ गई, सपोज
यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई इस पे, तो ये इन सब पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि इसमें ऐड करना इजी होता है, और किसी एक नोड का केबल अगर ख़राब होता है तो वो बाकियों पे असर नहीं डालता। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इजी टू ट्रबल शूट डिटेक्ट फॉल्ट एंड रिमूव पार्ट। इसमें क्या है, ट्रबल शूट करना इजी होता है कि कहाँ पे आपके फॉल्ट हैं, कहाँ पे आपके केबल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर नोड ही आप उसको हटा सकते हो, पूरा का पूरा नेटवर्क आपको शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगला पॉइंट है नो डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइसेस। अगर आप एक डिवाइस हटाते हो जो कि मैंने बताया अभी, तो उससे आपके नेटवर्क पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है रिक्वायर मोर केबल लेंथ देन लीनियर बस टोपोलॉजी। हमने देखा था बस टोपोलॉजी में हमने एक ऐसे वायर लगा दिया और उसी में सारे डिवाइस कनेक्ट हो गए थे बस, बट इसमें क्या है, स्टार टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस का अपना केबल है। अगर हर एक डिवाइस पर्टिकुलर के लिए सर्वर से उसका अपना केबल होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको केबल की ज़्यादा लेंथ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे मोर केबल चाहिए। अगला है मोर एक्सपेंसिव देन लीनियर बस। अगर आप ज़्यादा केबल चाहिए तो ये आपका एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर उसमें केबल का लेंथ होगा तो उसके हिसाब से उसका एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा। एंड आपका ये लास्ट पॉइंट है इफ़ सेंट्रल सर्वर फेल नोड अटैच आर डिसेबल। अगर आपका सर्वर ही फेल हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो ठप हो जाएगा, ठीक है, वो सारे नोड काम करना बंद कर देंगे। तो गाइज ये था आपका ये डिसएडवांटेज, ये आपका एडवांटेज एंड ये आपके कुछ नोट्स। तो ये अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो आप इजीली इतना आप ये लिख सकते हो, ठीक है, विद ये आपका डायग्राम। तो इतना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे थ्योरी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको वीडियो को आप शेयर करें। ओके, टेक केयर।